कई ऐसे बदबख्त भी होने ने जिन्हां दी रूह बड़े अजीब अंदाज ना कबज की जाएगी। अल्लाह मेरी तौबा, इंज ना कंडिया वाली टहनी ते मलमल दा कपड़ा भिओंगे ओनू कंडिया वाली टहनी ते पा के एक नुक्कर तो फड़ के खिचो ना ते तार तार हो जांदा है। इस तरह मुनाफक ते काफर नो जलील और रुसवा करके अल्लाह दे दरबार च पेश कीता जाना। ते कई किस्मतां वाले भी होने ने, इधरों पैगामे मौत आया ते अल्लाह दा पैगाम लैके फरिश्ते आ गया, आंदे ने या अय्या तोहन नफ्सुल मुतमइन्ना। सुभान अल्लाह, दुआ करो हाँ अल्लाह इंज दी मौत नसीब फरमा दे, मरना ते है ये। अल्लाह दा पैगाम आ गया, या अय्या तोहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बे के राजियतम मर्जिया फादुखली फी इबादी वादुखली जन्नती। ऐ रूह मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, चल ना चल रब दे दरबार च जाने, ते परेशान ना होवी घबराई ना। अल्लाह तेरे ते राजी ते तू अपने अल्लाह ते राजी है। ऐ खुश नसीबी यानी मरना ते हर हाल विच है ही है। हुण मोमिन बंदा जेड़ा ना मौत ओदे वास्ते बहुत बड़ा बेनीफिट है और मौत ओदे वास्ते असल विच खुशी दा पैगाम है कि ओदियां मुलाकातां अपने रब नाल होण वालियां ने। मोमिन दिया मुलाकातां अपने खालिक अपने मालिक ना होन वालिया ने। इस वास्ते लफ्ज़े मौत जेड़ा ना बाज़ औकात लोग आंदे ने जी अंबिया अलैहिस्सलाम दे मुतालिक ऐसे अल्फाज, कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए ने ते कुरान नबी दी तोहीन नहीं करदा, कुरान ते नबी दी शान बयान करदा। कुरान नू कई मकामात तो पढ़ो ना, अल्लाह ने अपने प्यारियां वास्ते इन अल्फाज दा इस्तेमाल फरमाया। बड़े रब दे प्यारे नबी ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आप तशरीफ ले जा रहे ने ते कुरान ने नक्शा खिंचया, औ कल्लज़ी मर्रा अला करियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा काला अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा फअमातहुल्लाहु मिअता सुम्मा बासहु काला कमला काला लबिस्तो यौमन औ बाज़ यौम। जनाबे उज़ैर तशरीफ ले जा रहे हैं, एक पिंड कोलों गुजरे, छत्तां डिगियां ने, मकान सारे जनाब डिगे ने, ते वेखे ना ते ताज्जब जिस तरह बंदा करदा है, कौन है जेड़ा इन्हां उजड़ियां बस्तियां ते उजड़े पिंडां नूं दोबारा आबाद करेगा। हालां नबी तो वध के कायनात विच किसे दा अल्लाह ते यकीन नहीं, नबी नूं यकीन है कि उजड़ियां बस्तियां आबाद करन वाला कौन है, कौन है रब्बुल आलमीन दी जात इस बात ते कादर है। बस अपनी जबान तो एक गल कह बैठे ने, अल्लाह कौन इन्हां उजड़ियां बस्तियां नूं आबाद करेगा। हुण सवारी एक पासे छड़ी, खाना लागे रखिया, आप लम्मे पै गए, चलो जरा लग सीधा कर ला फिर अगला सफर करांगे, ते अल्लाह दियां मर्जियां फा अमातहुल्लाहु में अता पैगामे अजल आ गया, पैगामे मौत आ गया। ते अरसे दराज दे बाद अल्लाह दा फरिश्ता आया, आके अल्लाह जुल जलाल दे आर्डर नाल उठाया ते फरमांदे ने
कम लविस्ता। हजरत किन्ना कुचर इथे ठहरे हो, अंदाजा करो हां किन्ना कुचर इथे रहे हो। कम लविस्ता काला लबिस्तो यौमन औ बाज़ा यौम। जदो आया सा सूरज चढ़न डिया सी हुण डुबण डिया, एवें दिन या दिन दा कुछ ही समय इथे ठहरे आवां। ते फरिश्ता जवाब देंदा, हजरत दिन या दिन दा हिस्सा नहीं बल्कि पूरा 100 साल इथे पै रहे हो। किन्ना चिर? पूरा 100 साल इथे पै रहे हो। अच्छा हुण इंज करो हां, अपना खाना वेखो। खाना वेखिया ते इंज लगदा जिवें हुणे ही परौंठे तवे तो ला के लियांदे ने। सुभान, हाला खाना खराब होने वाली शै वे, ना फ्रिज ना फ्रीजर ना कोल्ड स्टोर, कोई सहूलत नहीं। ते 100 साल तक खाने नू असल हालत विच रखन वाला कौन है? अल्लाह जुल जलाल। अच्छा पे आ रहे हो, जेड़े गधे ते सवार होके आए हो, वो अपनी सवारी वेखो। हाँ, सज्जे वेखे आ, खब्बे वेखे आ, नजर मारे कोई शै नहीं, बस हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही ने। ते हुण रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत दा करिश्मा ते मंजर दिखाण लगे ने। ओए हड्डी इधरों उड पई है, ओए इधरों उड पई है, ओए इधरों उड पई है। आ ढांचा जुड़ गया, फिर उत्ते गोश्त चढ़ गया, फिर उत्ते चमड़ा चढ़ गया, ते गदा उठ के बोलन लग पिया। मुर्दिया नु जिंदा करने वाला कौन है? अल्लाह जुल जलाल वली कराम। अल्लाह ने अपने प्यारे वास्ते एहो ही लफज इस्तेमाल फरमाया। एक होर कुरान दा मकाम समात फरमाना। अल्लाह जुल जलाल दे बड़े प्यारे बड़े बरगुजीदा नबी ने सैयदना जनाबे याकूब अलैहि सलाम तो वसलाम अपने रब नाल मुलाकातां दा वेला करीब आया, ते अपने बेटियां नूं इकट्ठियां फरमांदे ने। कुरान ने ऐलान कीता, अम कुंतुम शुहदा इज हज़र याकूब अल मौत इज काल लिबनी है मा तअबुदून मिन बादी कालो नअबुदु इलाहका व इलाह आबा का इब्राहिम व इस्माइला व इसहाका इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमू।